जब मैं इस स्तुति का चिंतन कर रहा था, पितामह ने कहा, लो हम तो आज तक जानते नहीं थे, बोले ऐसे प्रेमी भी हो आप। और श्री कृष्ण ने अपना ये मधुर स्वरूप, ये रसस स्वरूप, ये प्रेम स्वरूप पितामह के सामने कब प्रकट किया? जब अंत में पितामह ने कहा, अब आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। आज से पहले मेरे मन में इच्छा थी मैं धर्म साधन करूं, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कर्म योगी बनूं, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर छत्र बनकर खड़ा रहूं। ये सब इच्छाएं मेरे मन बुद्धि में किसी ना किसी प्रकार का व्यापार व्यवहार चलाने का कारण बनती थी। पर हे केशव, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, सूरदास की सबै अविद्या, सूरदास की सबै अविद्या, दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरी अपनी निजी बात है, मैं ऐसे आपसे अपने मन की बात कह रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान मिले न मिले, आज मिले कल मिले, उनकी इच्छा हो जब मिले, तो मैं कहता हूँ ये भाव प्राप्त हो जाए, प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ चाहते नहीं है, बस आप मेरी बात मान लीजिए, ये भावना रोम रोम को किसी अनिर्वचनीय आनंद से भर देती है, तृप्त हो जाता है मन इस भावना से, प्रभु अब आपके अतिरिक्त कुछ चाहते नहीं है, आपकी इच्छा हो आप आए, आपकी इच्छा हो आप न आए, आप आज आए आप कल आए, ये आपकी इच्छा है आपकी अनुकूलता है, हम पर तो इतनी कृपा करिए, बस अनंत काल तक हम आपके अतिरिक्त कुछ चाहे नहीं। मुझे तो, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, मुझे तो बस ऐसे प्रभु को चाहने में सुख है, ऐसे ये चेतना, ये आत्मा बस पल 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 अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को, अपने सर्वेश्वर को बस चाहती रहे। ये जो चाह है ना, चाह है, ये जो कामना है, इसी में कांति है, इसी में प्रकाश है, कमु कांतौ, इसी में कांति है, इसी से जीवन उद्भासित होता है, आलोकित होता है, प्रकाशित होता है। गोपियों के पास क्या है? गोपियों के पास पल पल कृष्ण मिलन की लालसा है, कृष्ण दर्शन लालसा, और इसको धारण करने के लिए, इसको धारण करने के लिए प्रेमी हृदय चाहिए। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि बंकट घाटी नेह की कोई बिरला उतरे पार, इस प्यास को धारण करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेमी हृदय चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भाई हर हृदय प्रेम का अधिकारी नहीं है, प्रेम नहीं कर सकता, ये प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है। क्या कठिनाई है? यही कि प्रेमी हृदय प्यास को धारण करता है, उसे मिलन की इच्छा से कहीं अधिक आवश्यकता है कि वो चाह बनी रहे, चाह कम ना हो। तो पितामह कह रहे हैं कि अब मैंने वो भावना पाई है, केवल एकमात्र आप मेरी गति हो आप। इसीलिए स्तुति आरंभ करने से पहले ही पितामह ने कह दिया था, भाई अब केवल श्री कृष्ण मेरे सन्मुख रहें, अब मैं अपना कोई तंतु किसी से जोड़े नहीं रखना चाहता, अब मैं ना किसी का पितामह हूं और ना किसी का संबंधी, अब मैं कोई नहीं हूं, अब मैं केवल श्री कृष्ण का हूं, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं, अब मेरी आत्मा केवल इन्हें चाहती है।